हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। सो गाइस, जेई मेंस अब बहुत पास आ चुका है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं जेई मेंस में। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इस समय में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो केमिस्ट्री में स्कोर है वो पहले से काफी इंक्रीज हो जाए? हमें इस समय केमिस्ट्री में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? गाइज यही बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो गाइज सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें कौन सा स्टडी मटेरियल इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने जरूर सुना हुआ होगा कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार क्या होता है, उसके सिर्फ चैप्टर्स को रिवाइज करने से काम नहीं चलता, समझ रहे हो ना, सिर्फ बुक की रीडिंग से काम नहीं चलता। तो उसके लिए बहुत अच्छा रिवीजन का तरीका जो होता है, एक तो होता है एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चंस, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक में कन्वर्जेंस होते हैं, कुछ अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, उनको आप कर सकते हो। अगली चीज, एनसीईआरटी एग्जांपलर में भी कई क्वेश्चन आसान होते हैं, उनको आप छोड़ सकते हो या उनको बहुत जल्दी खत्म कर सकते हो। जो एग्जांपलर में अच्छे क्वेश्चन गाइस उन पे आप फोकस कर सकते हो, इस समय वो करना बेस्ट रहेगा। उसके अलावा 2019 के जो पेपर्स हैं गाइस, 2019 के जो पेपर्स हुए हैं, 16 पेपर्स हुए हैं, हमारे पास 480 क्वेश्चंस हैं, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो वो पेपर भी बहुत अच्छा सोर्स है एनसीईआरटी को रिवाइज करने का। तो एनसीईआरटी पे किस तरीके से आपको फोकस करना है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इस चीज को जानते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन में काफी दिक्कत आती है कई बार। अभी बहुत अच्छा रास्ता है कैलकुलेशन में मिस्टेक्स अवॉइड करने का, एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस करो, चाहे सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, लेकिन उसको 2 decimal places तक भी निकालने की आप प्रैक्टिस करो। अगर आपकी हैबिट बन जाएगी तो काम हो जाएगा, यानी आपको बहुत भारी क्वेश्चन, बहुत न्यूमेरिकल टफ क्वेश्चंस करने की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नॉर्मल क्वेश्चंस कर लो, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ेगा, उन क्वेश्चंस के अंदर आपको बिल्कुल एंड तक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। याद रखिए, एंड तक आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उससे बहुत ही आपको फायदा होगा, समझ रहे हो ना। जो बोर्ड लेवल की बुक्स हैं उनमें भी कई बार इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है, तो उनसे आपको डरने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें आपको जरूर फाइट करना है। ओके गाइस, उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, मिक्स्ड कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी एनसीईआरटी से रिवीजन कर सकते हो, लेकिन आप जेई एडवांस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, यानी उसके अलावा जेई मेंस के भी 2019 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे, वो भी आप सारे के सारे सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट वे बाय विच यू कैन डू द रिवीजन। उसके अलावा जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती हैं, जैसे कि डील सेलर्स रिएक्शन, बैकमैन रीअरेंजमेंट, कर्टियस रिएक्शन, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो सिलेबस में नहीं है। एनटीए का पेपर बनाने के बाद ये चीज तो गारंटेड हो गई है कि आउट ऑफ सिलेबस चीजें नहीं आने वाली। ओके गाइज, तो मेक श्योर यू स्टिक टू द रिलेवेंट सिलेबस, जो काम की चीजें हैं उसी पर आपको ध्यान देना है, ऑर्गेनिक में इधर उधर नहीं जाना है। बहुत सारे रिएजेंट एक्स्ट्रा भी होते हैं गाइज, उनके बारे में भी आपको नहीं जानने की जरूरत है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं हमेशा आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी हमेशा ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ढंग से आपको करना है। अगर आपने अभी भी नहीं बनाया है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाएं, और हमारी जो ऐप है एटीपी स्टार ऐप, उसकी हेल्प से गाइस, उसकी हेल्प से आप रिवीजन बहुत फास्ट कर सकते हो। इनऑर्गेनिक के चैप्टर आप 2-3 घंटे में भी कवर कर सकते हो, समझ रहे हो ना, विद आवर ऐप नोन एज एटीपी स्टार, आप ऑलरेडी जानते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी जानते हो यार, 12th वाले चैप्टर्स रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अब जैसे कि अपने को पता है कि क्वेश्चंस जो आएंगे वो हर एक से लगभग ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चन आएंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक से। अब 8 क्वेश्चन अगर हमारे आ रहे हैं, किसी में 9 भी आएंगे, तो 8-8 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यानी कोई ना कोई चैप्टर स्किप होगा, और किसी एक चैप्टर से, एक क्वेश्चन से ज्यादा आने के चांसेस बहुत ही कम है। ऐसा होना मतलब बहुत इम्पॉसिबल टाइप है कि थर्मो से ही 2 क्वेश्चन आ गए या इक्विलिब्रियम से ही 2 क्वेश्चन आ गए, इसके चांसेस बेहद कम होंगे गाइस, समझ गया सभी। इसीलिए वो चैप्टर्स जो आपके इस समय वीक हैं उन पे आप बिल्कुल ध्यान ना दें, जो आपकी स्ट्रेंथ है याद रखिए वही आपका स्कोर को बढ़ाएगी। यानी फॉर एग्जांपल आपका केमिस्ट्री का 100 मार्क्स का पेपर है, और मान लीजिए आपको 80 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आप उन 80 पे फोकस करो, जो 20 मार्क्स का आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते उस पे अभी फोकस करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइज, तो ओवरऑल मैं कंक्लूजन यही करना चाहूंगा कि फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू, आप जो कर सकते हैं उस पे अगर आप फोकस करेंगे गाइज, तो केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। याद रखिए, यू हैव टू बी रिलेवेंट, यू हैव टू स्टडी रिलेवेंट, प्रैक्टिस रिलेवेंट, दैट विल मेक योर स्कोर हाईली गुड। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।